तो हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने हमें कमेंट किया कि अगर आपके पास जियो फाइबर का 10 Mbps वाला प्लान है तो इसमें स्पीड कितना आता है, मतलब डाउनलोड स्पीड कितना आता है। 10 Mbps तो है बट जो है टोटल स्पीड कितना आता है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ, देन आपको एक फाइल में आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आखिर इसमें स्पीड कितनी आती है और ओवरऑल हम लोग का जो है इसमें काम चलेगा कि नहीं, इस प्लान को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो देखिए मैं अभी ओकला के ऐप से यहाँ पर स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 10 Mbps के मतलब आसपास स्पीड जो है वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओवरऑल 10 Mbps का प्लान है तो 10 Mbps की ही स्पीड मिलेगी, थोड़ी बहुत कम मिल सकती है बट उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि डाउनलोड स्पीड जो है वो 9.93 Mbps है एंड यहाँ पे अपलोड स्पीड जो है वो 11 Mbps के आसपास फ़िलहाल शो कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो हाँ देख सकते हो 11 Mbps के आसपास की डाउनलोड स्पीड मतलब अपलोड स्पीड है। ठीक है, देख सकते हो ये जो है स्पीड निकल कर सामने आई है। अभी चलिए मैं आपको एक फ़ाइल डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास जो है 1 GB की फ़ाइल को मैं आपको यहाँ पर डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि इसमें कितना वक्त लगता है। तो यहाँ पर मैंने टाइमर भी स्टार्ट कर लिया है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह की स्पीड हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो 1 GB की फ़ाइल है 1000 MB की एंड यहाँ पे टाइम देख सकते हो 11:44 हो रहे हैं एंड 1.3 MB/s की हम लोग को जो है वो स्पीड मिल रही है, मतलब ये लास्ट स्पीड है, इससे ऊपर की स्पीड आप लोग को यहाँ पर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्पीड हम लोग को यहाँ पर मिल रही है एंड हम लोग वेट करते हैं जब तक यहाँ पर 10 मतलब जो पूरा फाइल है वो डाउनलोड नहीं हो जाता, फिर ही पता चलेगा कि कितना वक्त लगता है इसको डाउनलोड करने में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 GB की जो फाइल है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, 2-4 MB ही यहाँ फ़िलहाल बाकी है, तो उसका भी हम लोग वेट कर लेते हैं जब तक ये डाउनलोड नहीं हो जाती। और बस यहाँ पे जो है वो डाउनलोड हो चुकी है हमारी यहाँ पे कंप्लीट एंड आप देख सकते हो कि 14 मिनट और यहाँ पे कुछ सेकंड जो है वक्त लगा है 1 GB की फाइल को डाउनलोड करने में एंड यहाँ पे आप टाइम भी देख सकते हो 11:58 हुए हैं, तो यहाँ पर इतना टाइम लगा है। तो ओवरऑल आपको पता चल ही गया होगा कि अगर आपके पास 10 Mbps का प्लान है, चाहे वो एयरटेल का हो चाहे जियो का हो किसी का भी प्लान हो, तो उसमें आपको इतनी वक्त लगेगी फुल फाइल को डाउनलोड करने में 1 GB का। वैसे और भी चीज़ें मैटर्स करती है कि अगर अच्छे सर्वर से डाउनलोड नहीं करोगे तो जो स्पीड होगी वो इससे भी स्लो मिलेगी, बट हाँ मैक्सिमम जो स्पीड है वो आपको इतनी ही मिलेगी इस वाले प्लान में।